अलीराजपुर में सीसीटीएनएस में जिला पुलिस ने लगाई लंबी छलांग। छह माह में 16 से दूसरी रैंक पर पहुंची जिला पुलिस। कार्य को लगन और जीवटता से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है, यही कहानी अलीराजपुर के जिला पुलिस की है, जिसने अपने कप्तान के निर्देशों का पालन कर सफलता हासिल की है और अपने आप को कई मानकों पर स्थापित भी कर रही है। अमूमन छह माह में सीसीटीएनएस में 16वें पायदान से दूसरे पायदान पर पहुंचना निश्चित रूप से कुशल कप्तानी और टीम वर्क का नतीजा है। अलीराजपुर से यतेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। सर, ये अभी सीसीटीएनएस की बात करें, सर जिले में दो नंबर पे आया पुलिस विभाग का, तो सर ये एक्चुअल में है क्या, ये सिस्टम क्या है, सिस्टम का प्रॉपरली किस तरह से चला आपके यहाँ सर? देखिए, भारत सरकार की एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक योजना है, एक पोर्टल है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। इसमें जितने भी अपराधी हमारे जिले के होते हैं उन सभी के कई हेडों में ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करनी होती है। इसको एनसीआरबी डील करता है केंद्र में, और राज्य में एससीआरबी इसे डील करता है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो हो गया, और एससीआरबी स्टेट क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो हो गया। ये दोनों संस्थाएं इसको मॉनिटर करती हैं। तो ज़िले में होने वाले समस्त अपराधों का हम उसमें प्रथम एफआईआर, उसका चलानी पंचनामा, गिरफ्तारी पंचनामा, डाटा सर्विस बैंक, अज्ञात अगर शव होता है तो अज्ञात शव का फोटोग्राफ्स, जो अपराधी पकड़े जाते हैं उसके फिंगरप्रिंट फोटोग्राफ सब कुछ अपलोड करते हैं, ताकि पूरे प्रदेश में या देश में कहीं भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस करता है उसका डिटेक्शन हम सही तरीके से कर पाएँ। तो जितने भी क्रिमिनल्स हैं जो अपराध करते हैं उसका संपूर्ण डाटा हमारे इस पोर्टल पर रहता है, जिससे अपराधी को ट्रैक करने में, सेम तरह के क्राइम कई जगह होते हैं, कई जिलों में होते हैं, कई स्टेट में होते हैं, और एक अपराधी जिले और प्रदेश के और एवं देश के कहीं से अपराध कर सकता है। तो इस ख्याल से भारत सरकार ने पोर्टल डेवलप किया है, जिसको हमारा एससीआरबी मॉनिटर करता है। तो एक तरह के और एक अपराधी द्वारा अपराध करने वाले अपराधियों की खोजबीन करने में, उनको धरपकड़ करने में पुलिस को सुविधा होती है, जिसको क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क सिस्टम कहते हैं। तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को अपलोड करने के माध्यम से जो भी अपराधी होते हैं उनके समस्त रिकॉर्ड, जो हमारे अलीराजपुर जिले की स्थिति थी, पिछले जुलाई के महीने में हम 2500 नंबर पे थे, उसके पहले 18 नंबर, 16 नंबर, 24 नंबर थे। तो पिछले 6 महीने में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इसको अभियान चला करके इस रिपोर्ट पर, इस पोर्टल पर अपराधियों का सारा डाटा एंट्री करने का अभियान चलाया, काम तेज़ी से करना शुरू किया, ताकि अपराधियों के धरपकड़ में, उनकी पहचान में सुविधा हो सके। प्रत्येक थाने में जो हमारा सीसीटीएनएस सिस्टम पड़ा हुआ है, इस पर दो लोग लगातार काम करते हैं और हर चीज़ें वहाँ एंट्री होती है, जिसका मॉनिटर हम जिला मुख्यालय एसपी ऑफिस से करते हैं। तो हमने इस पर डीएसपी महिला अपराध को और हमारा सीसीटीएनएस का प्रभारी धर्मेंद्र है, इसको हमने लगाया है। इन लोगों का डेली रिपोर्ट हर दो दिन पर मैं इसकी समीक्षा किया करता था। पिछले 2 माह के हमारे अथक प्रयास से मुझे आपको बताने में हर्ष हो रहा है कि सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट में हमारा अलीराजपुर जिला ग्रुप बी के जो प्रदेश के जिले हैं उसमें दूसरे नंबर